अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जो एग्जांपल फ्रेम किया था, वो एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली अपना एक इमेज लगाई थी, और इमेज के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे छोटी छोटी और रिमेनिंग फोर इमेजेस लगाई थी, राइट। मतलब एक बैनर जैसी इमेज लगाई थी, और फिर बाकी हमने क्या करते हैं यहाँ पे सब इमेजेस लगाई थी, है ना। और अब अगर अपन बात करें अब आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें उसी एग्जाम्पल को आगे थोड़ा सा बढ़ाना है। और वो एग्जाम्पल में हमें ये देखना है कि जो आपके पास में डाउनवर्ड साइड में जो आपके पास में छोटी छोटी जो इमेजेस थी, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो कैसे वो इमेज आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं, राइट। तो हमने वो वैसा कुछ कंसेप्ट देखना था, लेकिन उससे भी पहले अपन एक काम करते हैं, एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं यहाँ पर कि ये कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस F5 प्रेस किया, वेब ऐप मैंने एंटर किया, देखते हैं यहाँ पर ब्राउजर पर कैसे क्या आउटपुट दिख रहा था पहले तो कल के एग्जाम्पल का, है ना। और उसके बाद में फिर अपन आगे की फंक्शनलिटीज पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद में आपको यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट। अब अगर अपन बात करें अपन करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, तो अपन सिंपली ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैं नीचे की इमेज पे क्लिक करूँ तो वो इमेज यहाँ पर क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, है ना। अब ये रिप्लेस होगी कैसे, तो आपको वो समझना है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, ये जो IMG दे के रखा हुआ है, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है ऑन क्लिक, राइट। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो ऑन क्लिक पर अपन एक फंक्शन कॉल करते हैं, है ना, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पर मैंने कर दिया यहाँ पर स्वेप इमेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्वेप की जगह SWAP स्वेप इमेज कर देता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब इसमें यहाँ पर एक तो ये जो बिगर इमेज थी, है ना, और आपके पास में तो ये छोटी छोटी इमेजेस नीचे है, तो अपन उस पर लिखते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इसे कट किया, और मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर स्वैप इमेज, और स्वैप इमेज अपन करेंगे क्या, तो अपन पास कर देंगे यहाँ से दिस। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा स्वैप इमेज, तो मैंने यहाँ पर भी कितना लिख दिया है दिस, और यहाँ पर भी आकर मैं क्या लिखूंगा स्वैप इमेज, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दिस। और फाइनली अपन यहाँ पर भी आकर क्या करेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पर स्वैप इमेज, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है दिस, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है ना, जिसमें अपन ने करा क्या है यहाँ पर, तो जिसमें मैंने यहाँ पर जो छोटी छोटी इमेजेस दे के रखी हुई है ना, उन छोटी छोटी इमेजेस में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो उन छोटी छोटी इमेजेस के ऊपर मैंने यहाँ पर स्वैप इमेज नाम के फंक्शन की कॉलिंग करी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, तो ध्यान से देखना, तो अब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो स्वैप इमेज नाम का फंक्शन चलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर, और अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बना लिया किस नाम से, स्वैप इमेज नाम से, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया IMAGE इमेज, राइट। या फिर मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख लिया है, मैंने यहाँ पर लिखा है स्मॉलर इमेज, मेरे को यहाँ पर ये वो जो छोटी वाली इमेजेस है वो मिलेंगी। अब सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो इमेज मेरे को मिल रही है उसका नाम क्या है ना। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है अलर्ट, और अलर्ट में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर स्मॉलर इमेज डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो डॉट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या SRC। इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, तो देखो मेरे को क्या देखने को मिला, अब मेरे को पूरा ऐसा नाम देखने को मिल गया ना, अभी पूरा ही लिखा हुआ आ गया उसका, है ना। आपने यहाँ पे जो डॉट SRC लिखा है, तो वो पूरा ही आपको ऐसा देखने को यहाँ पर मिल रहा है, राइट। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, अपन सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो बिगर इमेज देख रखी है, तो अपन यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं वेर, वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा BIGGER बिगर इमेज, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिखा, बिगर इमेज में क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एलिमेंट को गेट करो उसके ID से, तो एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, बिगर इमेज। ना तो कोई दिक्कत, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिगर इमेज। अब ये बिगर इमेज लिखने से होगा क्या, तो ये बिगर इमेज लिखने से ये होगा कि जैसे ही आप वो छोटे वाली इमेज पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID जो बिगर इमेज है ना, उसका जो SRC होगा डॉट SRC,
ये वो किस में आ जाएगा, बिगर इमेज में आ जाएगा, और अब आप यहाँ पर उसको प्रिंट करवा कर देखो बिगर इमेज को, ये आप देखें यहाँ पर आपको उसका नाम मिलता है क्या। आपने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, आपने इस पर क्लिक किया तो देखो ये मिला ना इमेजेस img1.avif, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैंने इसे क्या कर दिया यहाँ पर ओके कर दिया। ऐसे में जल्दी अगर मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, वही img1.avif मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अपन आते हैं वापस अब यहाँ पर, तो मैंने इसे पर कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ आने के बाद में है ना मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें कि वेयर, वेयर में मैंने लिखा बिगर इमेज, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने लिखा बिगर इमेज डॉट src, तो ये मेरे पास में इमेज तो आ गई है। अब जो स्मॉलर इमेज मेरे पास में आई है ना, मैं क्या करूँगा स्मॉलर इमेज है ना, अब स्मॉलर इमेज का मेरे को क्या निकालना है, src निकालना है। इसको मैं किस में रखूँगा, एक वेरिएबल में रखूँगा, वेयर मैंने यहाँ पे लिखा है क्या टेम्प, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अभी यहाँ पे, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है स्मॉलर इमेज डॉट src है ना। अब स्मॉलर इमेज डॉट मैंने src लिखा हुआ है, अब स्मॉलर इमेज डॉट src मैंने लिखा है यहाँ पर, अब स्मॉलर इमेज डॉट src से है ना आपके पास में जो इमेज का नाम निकलेगा वो आ जाएगा टेम्प में। फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा बोलेंगे क्या कि ये जो src जो स्मॉलर इमेज पे आपने क्लिक किया है तो उसका नाम तो आपको टेम्प में मिल गया है, अब उसको आपको कहाँ रखना है, तो उसको आपको यहाँ पर सिंपली अपना ये जो बिगर इमेज है, बिगर इमेज है इसमें रखना है कि बिगर इमेज मतलब ये जो लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट src है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप एक काम ऐसा करें कि ये जो बिगर इमेज है आपने ऐसा लिखा और बिगर इमेज के .src में आप किसका नाम रख देंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर टेम्प को रख देंगे, स्मॉलर इमेज का जो src निकला है ना वो जो टेम्प में आया है उसको आपने बिगर इमेज डॉट src में यहाँ पर रख दिया, क्लियर है? और उसके बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद में एक बार इसको चला कर देखते हैं अपन। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ये इमेज ऊपर आ गई, लेकिन ऊपर वाली इमेज को नीचे लेकर आना था मेरे को, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये वाली इमेज ऊपर आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाली इमेज ऊपर आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाली इमेज ऊपर आ गई। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो ऊपर वाली इमेज कहाँ है आपकी, तो ऊपर वाली इमेज आपकी नीचे आ जाए। अब ऊपर वाली इमेज अगर आपकी यहाँ पर नीचे आ जाए तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपने नीचे से जो क्लिक किया है तो स्मॉलर इमेज तो ऊपर गया, स्मॉलर इमेज का जो src था है ना उसको आपने एक टेम्प में रखा, और टैम्प में रखने के बाद में फिर आपने क्या कर दिया यहाँ पर, उस टैम्प को आपने बिगर इमेज के src में रख दिया। लेकिन अब उसके भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने इसको कट किया और मैं यहाँ पर भी तो ये चीज लिख सकता था, ठीक है, और इसके भी पहले अपन एक काम ऐसा करते हैं क्या कि बिगर इमेज का src अपन एक टेम्प में रख लेते हैं, वेयर टेम्प, और मैंने अभी क्या लिखा है बिगर इमेज डॉट src, मतलब मैंने क्या करा है सबसे पहले मैंने बिगर इमेज का src एक टेम्प में रख लिया, फिर मैंने क्या कर दिया स्मॉलर इमेज के src को बिगर इमेज के src में रख दिया, और फिर अब स्मॉलर इमेज के src में मैं किसको रख दूंगा टेम्प को रख दूंगा। मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब आप देखेंगे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो ऊपर आ गया, वो नीचे आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया वो ऊपर आ गया, वो नीचे आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया वो ऊपर आ गया, नीचे आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया वो ऊपर आ गया, नीचे आ गया, इस पर क्लिक किया तो ये ऐसा हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये ऐसा आ गया, बस वही लगाया अपन ने और कुछ नहीं किया। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो आप एक काम ऐसा करके देखो कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये लिखा हुआ था मैंने इसको यहाँ से कट किया, और कट करके अगर मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ और उसके बाद में अपन इसको अगर यहाँ से हटा देते हैं तो क्या चलेगा, क्या देख भी अपन यहाँ पर क्या, तो हाँ फिर वो लगेगा ही सही ना वो, ठीक है, तो फिर अपन ऐसे ही लिखा रहने देते हैं वो,
ये फिर वो वहाँ पर बिगर इमेज डॉट एस आर सी अपने को डॉट एस आर सी और फिर ये पूरा ही लिखना पड़ता है डॉट एस आर सी, ठीक है। तो इससे अच्छा तो ये ऐसे ही ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने कुछ इस टाइप से ऐसा इम्प्लीमेंट किया है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने आपको बोला था स्टॉप वॉच का कंसेप्ट है ना, कि अपने यहाँ पर स्टॉप वॉच का कंसेप्ट देखेंगे कि स्टॉप वॉच का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होगा कैसे, है ना। तो चलते हैं अपने यहाँ पर फिर स्टॉप वॉच का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करने। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन इसे सेव एज करते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉप वॉच, राइट। या फिर अपन एक काम करते, अपन यहाँ पर आते एक फोल्डर ही बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर स्टॉप वॉच करके एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर अपन एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्स नाम से। मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पर, सेव कर दिया है ना। मैंने यहाँ पर करा क्या है, तो मैंने स्टॉप वॉच नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना लिया। अब फिर अगर अपन बात करें अब वो करना क्या है यहाँ पे, तो अब यहाँ से देखना, ये तो सब कुछ मैंने हटा दिया, मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा कर मैंने यहाँ पर एच टी एम एल का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, राइट। अब मैं करूँगा क्या, तो मेरे को यहाँ पर तो स्टॉप वॉच बनाना है, स्टॉप वॉच बनाने के लिए मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा यहाँ पर डेव। अब मैं यहाँ पर डेव लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर आकर करूंगा क्या, तो इस डेव की केस में मैंने यहाँ पर सिंपली दे दी है एक आईडी। आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर आउटर डेव, राइट। मैंने आउटर डेव ऐसे लिखा। मैं यहाँ पर आकर करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया है स्टाइल। स्टाइल में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने आउटर डेव लिखा, मैं स्टाइल पर आया, और अब स्टाइल में आने के बाद मैंने क्या लिखा है हैश, हैश में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या आउटर डेव, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है आउटर डेव, और आउटर डेव के बाद में अगर अपन बात करें करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है क्या इसकी हाइट। हाइट में मैंने लिखा है यहाँ पर 300 px। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वेट, वेट में मैं यहाँ पे कितना करूँगा, तो वेट में मैंने लिखा है यहाँ पे 600 px। अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा है DARKSLATE SLATE GREY। तो ये फॉन्ट के कलर की अगर अपन बात करें, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो मैं लिखेंगे यहाँ पर वाइट। तो ये फॉन्ट फैमिली की अगर मैं बात करूँ, तो फॉन्ट फैमिली में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे कैंडेरा, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है मार्जिन, और मार्जिन में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर ऑटो। मार्जिन ऑटो से होगा क्या है कि वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको सेव किया, सेव करके अपन क्या करेंगे अभी यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है STOPWATCH वॉच, मैंने लिखा है यहाँ पर INDEX index.html। ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। इसके ऊपर अगर अपन बात करें, तो अपने को करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है सेंटर, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या H1, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टॉप वॉच। दिक्कत, तो अगर अपन बात करें करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, इसको कट करते अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने करा किया, तो मैंने यहाँ पर आकर लगाया एस्ट्रिक। एस्ट्रिक में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एस्ट्रिक लगा कर मैंने लिख लिया है यहाँ पर, इसको कर दिया है पेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गए, अभी मैंने स्टॉप वॉच देखा, राइट। अपन अभी यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन एक काम ऐसा भी तो कर सकते थे इसमें क्या, कि ये जो मैंने यहाँ पर ये मार्जिन ऑटो लिखा हुआ है, मैं ऐसा ना लिखते हुए मैं इसको अगर सेव करता हूँ, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अपन इसको ऐसा अगर कर दे कि डिस्प्ले, और डिस्प्ले मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्लेक्स, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर आएगा क्या, लाइन आइटम्स, उससे अंदर का कंटेंट आएगा मेरे हिसाब से सेंटर में, ठीक है। अंदर का कंटेंट आएगा उसमें, तो अपन एक काम करते हैं अभी, तो उसको यहाँ पे कमेंट करते हैं अपन, यहाँ पर मार्जिन ही लिखते। मैंने लिखा है मार्जिन, तो मार्जिन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ऑटो, कि अभी तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर अपने को करना क्या, तो अपने को मिनट सेकेंड और मिली सेकेंड्स लिखना है, राइट। अपन करेंगे क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में तो मैंने आउटर डेव बनाया, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा है डेव, ठीक है। अब इस डेव के अंदर मैं क्या करूँगा, तो इस डेव के अंदर मैंने लिखा है स्पैन, तो स्पैन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब स्पैन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, तो स्पैन के अंदर मैंने आईडी दे दी यहाँ पर, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया GADING हेडिंग। हेडिंग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर MIN मिनट, ठीक है। मिनट के बाद में मैं यहाँ पे करूँगा क्या,
तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ, ठीक है ना, अपन यहाँ पे लिख लेंगे क्या फिर। अब तो ये ऐसा लिखा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए पेस्ट और पेस्ट। अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो मिनट, मिनट के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने लिखा है सेकंड, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है MILLI मिली सेकेंड, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर हेडिंग जो देखिए रखी हुई है, अभी कैसा दिख रहा है आप यहाँ पर ये देखिए, अभी आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये मिली सेकेंड के बाद में भी ऐसा कॉलम दिख रहा है आपको, तो आप इसमें ऐसा हटाएंगे, ठीक है। आप इसको सेव करेंगे और फिर आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आपने अपनी का सिंपली आईडी, आईडी में आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो आपने लिख दिया यहाँ पर dev1। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है हैश, हैश मैंने लिखा है यहाँ पर dev1, ठीक है। अपन यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो अब ये dev1 के अंदर अगर अपन बात करें, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ गया। अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे भी कर सकता हूँ क्या, मैंने लिखा है मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप में मैंने कितना कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 50 px, बढ़िया, तो पूरा ही हो गया। अपन क्या करेंगे यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन में अपन क्या लिखेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, बट पोजीशन एब्सोल्यूट से ये तो क्या हो गया, मार्जिन लेफ्ट वाला पोर्शन ही हट गया इधर से। अपन यहाँ से कट करते हैं इसको, इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट में कितना करा है यहाँ पे, तो मैंने मार्जिन लेफ्ट में लिख दिया 60 px। मैंने काम करते हैं यहाँ पर 60 की जगह, इसको तो अपन करते 30, इसको करते हैं अपन यहाँ पे कितना 200, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं इसकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मैंने कितना कर दिया यहाँ पर 30 px दे रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। आप एक काम और ये कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी स्पेस अगर चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें अपन कर क्या रहे थे, बोले तो मिनट सेकंड और मिली सेकंड, राइट। ये अपन ऐसा प्रिंट करवाया, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा M% NBSP, ऐसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस दे देते, ठीक है, मैंने इसे सेव किया। आप देखें यहाँ पर कैसे क्या दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। अपन एक काम करते, इसके भी पहले एक दे देते, और अपन इसके भी पहले यहाँ पर एक दे देते, मैंने इसे सेव किया, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, राइट। फिर अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या, तो ये तो मिनट सेकंड और मिली सेकंड, ये तो ऐसे प्रिंट हो गया। अब इसके नीचे क्या करना है अपने को, वो देखना है अपने ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा है dev2, और अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो मैंने लिखा है यहाँ पर मिन, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे SEC, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिली, ठीक है, है ना। ये मैंने लिखा मेन, मैंने लिखा है सेकंड, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मिली, राइट। अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 00, यहाँ पर आपने क्या लिखा है 00, और यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने लिखा है 00, ठीक है। अब ये तो ऊपर आ गया, लेकिन आपको तो इसको कहाँ लेकर आना था, नीचे लेकर आना था, राइट। अब इसको नीचे कैसे लेकर आओगे आप यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिखा है BR, ठीक है, आपने इसको सेव किया। फिर अगर अपन बात करें, तो एक सेकेंड, वैसे अपन यहाँ पे dev1 लिखा और dev2 लिखा, राइट, है ना। अपन ने लिखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और पोजिशन अपन ने एब्सोल्यूट लिख के रखी है ना। और इसके अलावा एक काम करते हैं, अपन पोजीशन अगर एब्सोल्यूट नहीं लिखते, मैं ऐसा लिखता, ये ऊपर आ जाता, ठीक है, अपन BR से उसको नीचे कर लेंगे, क्योंकि तो वो उसको वैसे मैनेज करने में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली BR, उसको सेव किया, वो नीचे तो आ गया। अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो जो मार्जिन लेफ्ट दे के रखा हुआ है 200, इसको अपन कन्वर्ट करते कि इसमें 100 में, अपन इसको कन्वर्ट करते कि इसमें 60 में, ठीक है। ये तो आ गया यहाँ पर आपके पास में, है ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर, मार्जिन टॉप और फॉन्ट साइज। मैंने इसके अलावा और क्या किया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है हैश, मैंने लिखा है यहाँ पर dev2, और dev2 में भी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा है टेक्स्ट लाइन सेंटर, और ये सारी चीजें मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये ऐसा कुछ दिख रहा है।
आप यहाँ पे फॉन्ट साइज में कितना कर देंगे, तो आप यहाँ पे कर देंगे 50, और मार्जिन टॉप को कितना कर देंगे आप यहाँ पर 10। थोड़ी सी साइज ज्यादा हो गई आपकी, यहाँ पर आपने लिख दिया इसको कितना 40। इसमें कोई दिक्कत है क्या लेने यहाँ तक? फिर अपन बात करें करना क्या है आपको यहाँ पर, तो अब इसके बाद में आपको बनाना रहेंगे बटन। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन आते हैं और मैंने यहाँ पर लिखा फिर से क्या है कि डेव। डेव में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो डेव में मैंने लिखा आईडी, आईडी में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डेव 3। और यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर बटन, बटन में मैंने क्या कर दिया, तो मैंने लिखा यहाँ पर स्टार्ट, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया और यहाँ पर है मैंने स्टार्ट लिखा। मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, और अपन यहाँ पर क्या लिख लेंगे रीसेट। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? अब ऐसा देख के रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो अब स्टार्ट स्टॉप और रीसेट, राइट। तो मैंने यहाँ पर अब क्या किया, तो मैंने यहाँ पर आकर स्टार्ट लिखा, मैंने स्टॉप लिखा और रीसेट लिखा। अब लेकिन मेरे को इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर लिखा है आईडी, आईडी में अपन क्या करेंगे, तो आईडी में मैंने लिखा है स्टार्ट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा आईडी, आईडी में मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या स्टॉप, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे आईडी, आईडी में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे रीसेट, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब डिव 3 देके रखा हुआ है, तो डिव 3 की केस में भी सेम वही फंक्शनलिटी अपन लगाएंगे यहाँ पर क्या। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ पर आया डिव 3 में, मैंने क्या करा यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप 10, फॉन्ट साइज जो देके रखा हुआ है, अगर ऐसी फॉन्ट साइज लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर 20 लिखा। देखते कैसा क्या दिख रहा है, फॉन्ट साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आई थिंक। मैंने इसको हटा दिया, उनको सेव किया, या ऐसा कुछ दिख रहा है फर्क पड़ा था, फॉन्ट साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे, तो ये यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो वो देखना। मैंने लिखा है बी यू टी टी ओ एन बटन, बटन की अगर अपन बात करें तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में मैंने कितना करा है यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 26px, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा बड़े हो गए। मैंने यहाँ पे कितना करा है 23, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, इसकी विड्थ अगर थोड़ी सी बढ़ा दे, तो विड्थ में मैंने कितना कर दिया, मैंने लिखा है 40px, 40px की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80px, 80px की जगह अपन यहाँ पे कर देते हैं कितना 100px, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे मार्जिन टॉप की, तो मार्जिन टॉप की अगर अपन बात करें तो अपन लिख देते हैं 30px, दे रखे यहाँ तक, ठीक है। तो अपन अभी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया और रिसेट कर दिया है ना। वहीं अगर अपन बात करें इसकी बिट की, तो अपन तो 150 भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आप में से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपने को उसको चलाना है। अब चलाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो चलाने के लिए अब आप यहाँ पर आएंगे, है ना, और अब चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे इसको अपन, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप और रीसेट तीनों पर ही एक कॉमन फंक्शन चलाना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में भी तो स्टार्ट होगा मतलब फंक्शन की कॉलिंग होगी। यहाँ पर अपन एक काम करते, ऐसा करते फंक्शन को तो छोड़ो, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा स्क्रिप्ट, लिख सकता हूँ ऐसा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं स्क्रिप्ट पर आया और स्क्रिप्ट पर आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर ये जो स्टार्ट लिखा है ना, स्टॉप और रीसेट लिखा है, सबसे पहले तो अपन चीज़ें गेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर स्टार्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, और गेट एलिमेंट बाय आई डी में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सिंपली क्या स्टार्ट। मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया, मैंने पेस्ट को पेस्ट किया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा सिंपली यहाँ पर स्टॉप, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टार्ट स्टॉप और मैंने लिखा यहाँ पे रीसेट। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉप, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है RESET रीसेट, है ना। मैंने लिखा स्टार्ट, मैंने लिखा स्टॉप, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर रीसेट। मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद अपन और क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन एक काम ये भी करते हैं इसमें क्या, कि अब ये जो आपको देके रखा हुआ है ये 00 और ये सेकेंड और ये मिली सेकेंड्स, है ना, तो अपने को यहाँ पर इससे भी गेट करना पड़ेगा क्या, या फिर अपन एक काम करते हैं यहाँ आकर अपन लिखते हैं वेर, वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मिली काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर
फिर सेकंड काउंट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और फिर क्या आएगा मिनट काउंट इक्वल्स टू जीरो। और मैंने फिर यहाँ पर एक और क्या कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है डब्ल्यू ए डी सी एच वॉच, मैंने ऐसा कुछ लिख लिया, कोई दिक्कत? ओपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। तो मैंने बोला कि मैं सबसे पहले तो स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने बोला स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, जो मैंने स्टार्ट लिखा है स्टार्ट डॉट एड इवेंट लिसनर, और एड इवेंट लिसनर के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या कॉल करूंगा, एनोनोमस फंक्शन चलाऊंगा, एनोनोमस फंक्शन चलाऊंगा। तो इस एनोनोमस फंक्शन में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो इस एनोनोमस फंक्शन में से अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने इसके अंदर डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच को क्या सेट कर दिया, तो वॉच को मैंने ट्रू सेट कर दिया और मैंने यहाँ से स्टॉप वॉच को कॉल कर दिया। मैं अपन आते हैं यहाँ पर, मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर आकर फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर स्टॉप वॉच, ठीक है। और ये स्टॉप वॉच बनाने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो स्टॉप वॉच बनाने के बाद में मैं यहाँ पर सिंपली लगा दूंगा कि इफ में अपन क्या कर देंगे डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, अगर वो ट्रू होगा तो ही चले, अदरवाइज नहीं चले। नहीं, वॉच आपने ये वेरिएबल बनाया ना यहाँ पर, मेथड का बनाया, सॉरी वॉच के अंदर मैंने ट्रू रखा, अपन यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद में आप अपनों को करना क्या रहेगा, तो अब अगर अपन बात करें ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, तो मैंने यहाँ तक तो आए फंक्शन स्टॉप वॉच और मैंने लिखा एफ, और इफ में मैंने अभी क्या करा है, मैंने अभी लिखा है सिंपली अपना वॉच। अब इफ में वॉच मैंने लिखा है, अब यहाँ पर होगा क्या, तो अपन यहाँ तक आए, हाँ अपन यहाँ पर इस वॉच पर आए, अगर वो ट्रू होता है ना, तो ट्रू होने पर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर करेंगे एम आई एल एल आई, वो एक बार तो क्लिक करने पर एक बार तो वो यहाँ पर आ गया, अगर ट्रू है तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा है ना। अब ट्रू है तो उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे मिली काउंट प्लस प्लस है ना, और फिर अब यहाँ पर आपको कंडीशन देना पड़ेगी कि अगर मिली काउंट इक्वल्स टू कितना होता है 99 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड का एक सेकेंड होता है ना, है ना, इसमें थोड़ा सा ना स्पीड का वेरिएशन जरूर आएगा, स्पीड का वेरिएशन मतलब जो नॉर्मल स्टॉप वॉच होती है, नॉर्मल आपकी जो क्लॉक चलेगी तो उसमें लिटिल बिट आपके जो टाइमिंग का 2 से 3 सेकंड का डिफरेंस तो आता ही है, और वो 2 से 3 सेकंड का डिफरेंस आएगा ही सही है ना, क्योंकि अब अगर आप इसको 100 तक भी चलाओगे तो भी दिक्कत ही है, 99 तक चला रहे हो तो भी दिक्कत ही है, 99.5 तक अपन चला नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने आप लिखा मिली काउंट इक्वल्स टू 99, तो अपन यहाँ पर आएंगे तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अपन यहाँ पे करेंगे सेकंड काउंट है ना प्लस प्लस, और फिर मिली काउंट तो अपन कितना कर देंगे इक्वल्स टू जीरो, मिली काउंट को अपन कर देंगे यहाँ पर जीरो, क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद में हर बार आपको करना क्या पड़ेगा, हर बार आपको अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट क्या आएगा टाइम आउट, और सेट टाइम आउट में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो सेट टाइम आउट में अपन लिखेंगे यहाँ पर स्टॉप वॉच और कॉमा करके अपन क्या करेंगे यहाँ पे 10 अगर अपन लिखेंगे तो सही चलेगा क्या, 10 या फिर 9 टाइम हर 10 सेकंड के बाद में 10 मिली सेकंड के बाद में वो एक बार ऊपर वाला चलेगा, तो ये ऊपर जाएगा प्लस प्लस वैसे 99 चलेगा, ठीक है देखते हैं अपन एक बार इसको चला कर देखिए क्या, बट अभी चलेगा कैसे वो, ठीक है। तो अपन यहाँ तक तो आए, यहाँ तक क्लियर है ना अभी तक, है ना। अब इस केस में अगर अपन बात करें, अगर अपने को सिर्फ मिली सेकेंड ही प्रिंट करवाना है तो अपन कैसे करवाएंगे, अपने एक काम करते हैं ना, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट डॉट बन के लिखेंगे यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में अपन क्या करेंगे वहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, मिनिमम मिनट सेकंड और मिली सेकंड लिख के रखा हुआ है ना, मैंने लिखा मिनट, मिनट के बाद में क्या लिखूंगा सेकंड और मिली सेकंड, मैंने लिखा यहाँ पर सेकंड और मिली सेकंड राइट। अब अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर अगर मैंने क्या करा है वेयर, वेयर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मिनट, वेयर मैंने अभी कितना लिखा है सेकंड, और वेयर में मैंने कितना लिख लिया है यहाँ पे मिनट सेकंड और मिली सेकंड, ले रहे हैं यहाँ तक। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन एक काम करेंगे यहाँ पर, तो अपन एक बार इसको चलाकर तो देखते, तो जिसके लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर क्या 99 है क्या, नहीं तो ये ऐसा है, तो अब इसके बाहर निकल के यहाँ पर अपन प्रिंट तो करवा ही सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा है मिली डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू कितना क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे मिली काउंट, अपन ने ऐसा कुछ लिखा है नहीं, बस ट्रायल ही है ना, अपन ऐसे ही कर रहे हैं अभी, बस चला कर देखते हैं कि कैसे क्या दिख रहा है। हम उसको सेव करते हैं यहाँ पर आए, यहाँ पर अब ये ऑलरेडी चल रहा है, मैंने काम करते हैं वापस से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है, रिफ्रेश करके अपन क्या करते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो आप देखो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ये तो आपका चल गया। अब इसके बेसिस पर आपको क्या करना है, वो सेकंड को मैनेज करना है ना, और ये ज़्यादा फास्ट चल रहा है क्या, हंड्रेड बहुत ज़्यादा, वो लेट नहीं हो जाएगा, 23 सेकंड निकल जाएंगे इतने में, तो हम लोग को 1 सेकंड बताना है उसमें, इसमें 3-4-5-7 सेकंड निकल गए, बट अपन कर भी कुछ नहीं सकते ना, आपको इतना ही रखना पड़ेगा। आप कैसे टाइम बढ़ा सकते हो बताओ, आपने चलो 100 रखवा दिया या आपने 15 रखवा दिया, मतलब 1 मिलीसेकंड पे आप 15 मिलीसेकंड्स का गैप ले रहे हैं ना, है ना, तो अब इसे 99 इंटू अगर आप 15 करेंगे तो 1000 ऊपर से ले जाएगा ना, तो समझ में, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे 10 लिखते हो तो 10 मतलब कितना, 1 मिलीसेकंड पे 10 का गैप, तो यहाँ पे 99 इंटू 10 कितना होगा, 990 है ना, 10 मिली सेकंड का, तो वो तो मैंने आपको बोला ही कि कहीं ना कहीं तो हेर फेर होगा ही सही, या तो स्लो पे जाओगे आप या थोड़ा सा फास्ट पे जाओगे, है ना, इतना 19-20 तो रहेगा ही सही, बट आप इतना ही रखोगे, अब इससे ज्यादा आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्पीड स्लो दिखाने के लिए कि वो रीडेबल फॉर्म में रहे तो आप कम कर दो, वो तो ऐसा हो जाएगा कि 2 सेकंड में तुम 1 सेकंड ही चला रहे हो, है ना, तो वैसा तो आप नहीं कर सकते राइट। अब ये यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, अब इसमें अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो इफ मिली काउंट इक्वल टू इतना है तो सेकंड काउंट प्लस प्लस, और मिली काउंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा राइट। अब अगर अपन बात करें आप क्या करेंगे, तो ऐसा होने के बाद में फिर अपन वापस से क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, है ना, तो ये मिली काउंट को तो हर बार आपको बढ़ाना ही है ना, तो फिर अब आप वापस से यहाँ पर आओगे इफ, इफ में आप लिखोगे यहाँ पर सेकेंड काउंट इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर आपका, तो इक्वल टू 59 नहीं सॉरी गड़बड़ करी मैंने, हाँ नहीं सही करा है ना, सेकंड काउंट तो 59 ही होंगे ना, 59 सेकंड, तो उस केस में मिनट काउंट को कितना करोगे आप यहाँ पे, मिनट काउंट को करोगे प्लस प्लस, और मिनट काउंट को प्लस प्लस करने के बाद में आपका जो सेकंड काउंट रहेगा तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, और जो मिली काउंट होगा वो भी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 0, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। फिर अगर अपन बात कर अब क्या, तो मैंने उसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन इसको चलाकर देखते हैं, तो चलाकर देखने में अपन एक काम करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर, अपन अब क्या लिखते हैं सेकेंड डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड काउंट, ये मैंने ऐसा कुछ मैंशन कर दिया, अपन आते हैं यहाँ पर एक बार चलाकर देख लेते हैं कैसे क्या दिख रहा है, मैंने इसको करा स्टार्ट,
ये गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि वो वहां पर वो आपका जो पॉलन है वो पॉलन नहीं आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ये जो मैंने सेकेंड डॉट इनर HTML लिखा था है ना, इस पर थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो रही है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे पर बार यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर अपन आए, ये सेकेंड काउंट है ना, तो अपन इसमें एक कंडीशन लगाते हैं क्या कि ये जो सेकेंड काउंट है, अगर यहाँ से देखना, इधर मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर यहाँ पे ये सेकेंड काउंट है ना, अगर लेस देन कितना होता है 10 है ना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बारे में क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा SCOUNT एस काउंट है ना, और इसमें अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसमें अपन यहाँ पर रख देंगे क्या, इसमें अपन यहाँ पर रख देंगे सेकेंड काउंट प्लस ये ऐसा, और इसमें ये ऐसा, इसके पहले भी अपन ने M% NBSP लगाया था, और इसके बाद में भी अपन क्या कर देंगे यहाँ पर M% NBSP, और उसके बाद में क्या कर देंगे, नहीं अपन क्या कर देंगे यहाँ पे सेकेंड काउंट, क्लियर है, इसको अपन भले ही यहाँ से हटा देते हैं, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है। ठीक है, और इसके साथ में आपको एक चीज और करना पड़ेगी, यहाँ पर जीरो को कॉन्केट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अपन कैसे क्या होगा, इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, क्या सब कुछ सही चल रहा है क्या, ठीक है ना, अपन ने करा क्या है यहाँ पर, अब देख लो 10 जा रहा है क्या, अब ये 10 में फिर दिक्कत देने लग गया। ठीक है, अपन इसको यहाँ पे रोकते हैं, अगर less than 10 था तो ये, अदरवाइज ये ऐसा है ना, तो इसमें भी अपन एक काम कर देते हैं यहाँ पर, अपन इसको कॉपी करते और इसके आगे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, एक बार फिर से सेव करते, रन करते, एक बार चला कर देखते हैं इसको है ना, वो 10 तक देख लेते, अभी अपन फिर इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अब नेक्स्ट सेशन में इसलिए अपन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी अपने को फिर अब ये भी देखना है इसमें कि अब जैसे आप इसको स्टार्ट की जगह आप उसको रोकते हो है ना, स्टॉप करते हो, तो फिर आपको बटन की नेम भी चेंज करना पड़ेंगे, पॉज रिज्यूम है ना, फिर जब आप उसको चेंज करते हो, उस पर किसी को क्लिक करते हो, तो फिर से उसको एक बार रीसेट करना पड़ेगा, रीसेट पे वापस से स्टार्ट स्टॉप हो जाए है ना, तो वो थोड़ी सी फंक्शनलिटी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना, तो इसका आगे फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।